नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे ब्रेशिया क्रिकेट क्लब वर्सेस बर्गमो क्रिकेट क्लब के बीच जो होगा दोस्तों मिलान T10 था ना, आज का दिन का जो खेला जाएगा तीसरा मैच उसके बारे में। दोस्तों, दोनों टीम ना इस टूर्नामेंट में कई मैचेस खेल चुके हैं। जैसे कि हुआ दोस्तों बर्गमो क्रिकेट क्लब BCC, इन्होंने ना टूर्नामेंट में 3 खेला है, 2 विन किया 1 हारा है, और इनका ओपोनेंट BRE ने ना 1 मैच खेला, कन्विंसिंग विन था। तो कौन से प्लेयर्स हमने इस मैच में रखना है हमारी टीम में, क्या आप ग्रैंड लीग में रिस्क लोगे, स्मॉल लीग में कौन से प्लेयर मस्ट बनता है, और डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाओगे, वो आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। ध्यान से दोस्तों वीडियो आप जरूर अंत तक देखना ताकि आप एक बेटर टीम बहुत इजीली खुद अपने से क्रिएट कर पाओ। बट स्टिल मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपडेट दिया करता हूँ फाइनल टेलीग्राम पे। देखो यार, स्पाइस आईसीएल का आपको कवरेज एंड IPL का कवरेज मिलेगा टेलीग्राम चैनल, जुड़ सकते हो टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आते हैं एनालिसिस पॉइंट में, लाइक करके स्टार्ट रखना। 5 बजे ये मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम, 100 रन के आसपास है एवर स्कोर यहाँ पे। क्लाउडी वेदर रहना चाहिए, बट बारिश अब तक होता नहीं है, हर एक जगह पे क्लाउडी दिखाता है। इवन मेरा यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सनी है, बट आप अगर वेदर देखोगे तो क्लाउडी दिखा रहा है। 10 मैचेस हो चुके हैं, 4 बैट पर, 6 बार चेसिंग ने विन किया, 2-0 मैचेस एबंडन और टाई रहा है। देखोगे BRE ब्रेसिया से अगर देखोगे एक मैच खेल के आ रहा है, इनसे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल के आता है। देखो लास्ट मैच में मैंने यासी डुल्लू को मस्ट विन बताया था, विकी में रखा था, ये प्लेयर ने 22 किया था और ये स्ट्रॉन्ग टीम से बिलोंग करेगा तो विकी से भी पॉइंट देगा, इंपॉर्टेंट है। अली रजा इस्लाम बैट बॉल दोनों से पॉइंट देगा, वीडियो में मैंने क्लियर मेंशन किया था मेरी टीम का कैप्टन बनेगा अली रजा इस्लाम, उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। दोनों प्लेयर आपके लिए मस्ट पी है। देखो क्लियर कट है, 5 बॉलर टीम ने यूज किया, हमें 5 बॉलर लेना है। 5 बॉलर कब लेना है, स्पेशली व्हाइल देखो ना बॉल फर्स्ट, व्हाइल देखो ना बैट फर्स्ट, मे बी आप 4 बॉलर के साथ जा सकते हो, बेस्ट 4 बॉलर, बट इफ देखो ना बैट फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट तो दोस्तों 5 बॉलर को रखो, बैटिंग फर्स्ट 4 बॉलर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अली रजा इस्लाम मस्ट पी है, नवी चौधरी ये दोस्तों कमाल का कैप्टनसी पी है, क्योंकि लास्ट मैच में ये बैटिंग से भी पॉइंट दिया और बॉलिंग अगर 2 ओवर कराएगा तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पिक बचाता है इस कैप्टनसी। डिफेंशियल कौन बनता है, अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ तो बाबर हुसैन बहुत अच्छा बैटर है। हाँ, हो सकता है एक आधा मैच फ्लॉप, शायद 7-8 मैच फ्लॉप जाए तो भी आप इनको ट्राई कर सकते हो, बट अगर 2-3 मैच फ्लॉप हो गया तो कहाँ पे ट्राई करना है दोस्तों, इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। करेंटली इनफॉर्म प्लेयर के साथ स्मॉल लीग टीम बनाऊँ, मैंने स्पेशल स्मॉल लीग एनालिसिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, जाके चेकआउट करो कैसे आप स्मॉल लीग में कंसिस्टेंटली विन कर पाओगे। बाबर हुसैन फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग हो रहा है, ट्राई कर सकते हो, सेकंड इनिंग्स बैटिंग इग्नोर करो। बाबर हुसैन दोस्तों ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करो, स्मॉल लीग में बिंदास इग्नोर या फिर बैकअप टीम में रखो और एक टीम में ड्रॉप करो, ठीक है। नवी चौधरी एक मस्ट पिक बनता है, कैप्टनसी बना सकते हो। देखो इस टीम से आपके पास 5 बॉलर है जो आपको 2 ओवर देगा, इनमें से मैं मानता हूँ जावेद मोहम्मद आपको 2 ओवर जरूर देंगे, इमरान नवीद भी 2 ओवर दे सकता है, क्लब सज्जाद का ओवर कट हो सकते हैं दोस्तों इस मैच में, ऐसा मुझे लग रहा है, लेट्स सी क्या होता है। बट अगर आप बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो इनके 5 बॉलर रख लो, ज़्यादा रिस्क मत लेना। ओपनिंग बॉलिंग जावेद, अली रजा, क्लब सज्जाद, डेथ में कौन कराएगा, ध्यान दो इमरान नवीद डेथ में आ सकते हैं, डिफेंशियल पिक बन जाते हैं इस मैच में, लास्ट मैच में फ्लॉप हुआ तो हाई चांसेस इस मैच में अच्छा खेले। अली रजा एक इंपॉर्टेंट पिक तो रहेंगे और एन चौधरी जो मस्ट पिक बनेगा, ये सीरीज से पहले की रिकॉर्ड है, चाहो तो आपके अकॉर्डिंग रिव्यू कर सकते हो। बाबर हुसैन का रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, बट 53 मैच में 27 के एवरेज, 1000 प्लस रन, टूर्नामेंट में एटलीस्ट एक मैच आएगा जहां पे 30-40 बनाएगा दोस्तों, ग्रैंड लीग में इसको यूज करो, स्मॉल लीग में ड्रॉप रोटेट करके रखना। हंजा रियाज इग्नोर करेंगे, हसन नवीद खेलता है तो बॉलिंग करा सकता है, 5 मैच में 9 ओवर में 7 विकेट है। नवीद चौधरी एक सीजन से पहले 243 रन, बॉलिंग कम कर रहे थे इस सीजन में, पहले ही मैच में 2 ओवर डाल गया, इस मैच में इनका भी ओवर कट होने के हाई चांसेस रहेगा, ठीक है। अली रजा इस्लाम 27 मैच 32 ओवर 22 विकेट बाई डिफॉल्ट पिक, 413 रन, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लब सज्जाद 43 मैच में 44 ओवर, देखो 43 मैच में इसने 44 ओवर डाला, ये ओवर कंप्लीट नहीं कराता हमेशा, ठीक है, ये बात ध्यान देना, ये ओवर कंप्लीट हमेशा नहीं कराता है। इमाद खान दोस्तों अगर देखोगे 43 मैच 16 ओवर 10 विकेट है, 530 रन है, अच्छा हीटर है, बैटिंग थोड़े से नीचे करते तो इग्नोर करेंगे, बैट फर्स्ट ग्रैंड लीग में डिफेंशियल यूज करना है तो करो। बाकी ये कुछ प्लेयर्स हैं, इनमें से बशार खान खेलता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर रहेगा, 32 मैच में 54 ओवर 31 विकेट है दोस्तों बशार खान का, एक इंपॉर्टेंट पिक। जावेद मोहम्मद 27 मैच 43 ओवर 17 विकेट, इंपॉर्टेंट पिक। BCC के प्लेयर्स ध्यान देना, प्रोबेबल टॉप ऑर्डर में दरासी को ओपन कराएगा प्रमोद कुमार सुदीदा के साथ, कमलजीत सिंह आएंगे वन डाउन, फिर बलजीत सिंह, फिर आतासम जवाई, ध्यान दो एक बात के ऊपर, दरासी को बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ओवर डालने वाला बॉलर है, सब बैट बॉल दोनों से आपको पॉइंट देगा। प्रमोद कुमार सुदीदा विकी में विकी प्लस बैटिंग पॉइंट देंगे, देखो बहुत खास बैटर नहीं है बट हाँ विकी से तो थोड़ा पॉइंट दे सकते हैं ना, सेफ बैटर है। बलजीत सिंह मस्ट पिक बनता है, दरासी को मेरी टीम का शायद कैप्टन बनेंगे, विकेट टेकर बलजीत सिंह, बॉलिंग फर्स्ट कैप्टनसी बना सकते हो। जसप्रीत सिंह मस्ट पिक बनता है, बॉलिंग फर्स्ट तो जहर पिकी है दोस्तों, तीनों प्लेयर मैं रखूंगा, खुर्रम सहजाद भी रखूंगा मैं, 4 प्लेयर इस टीम से जरूर रखूंगा, ये 4। पांचवा प्लेयर
जसपाल राम स्पेशली देखो ना बॉल फर्स्ट, रिपीट कर रहा हूँ सुन लो अच्छे से, बॉलिंग फर्स्ट जसपाल राम को जरूर रखना, बॉलिंग सेकंड ड्रॉप रोटेट करके यूज कर सकते हो, खुर्रम शहजाद बॉलिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल बात है। ये टीम भी दो दो ओवर वाले बॉलर यूज कर रहे हैं, जसपाल राम, खुर्रम शहजाद, जसप्रीत सिंह, एक बलजीत सिंह, अदारासी को बॉलिंग फर्स्ट, दो ओवर वाले बॉलर सबको रख लो, ठीक है, ज्यादा रिस्क मत लेना। ओपनिंग बॉलिंग रहेगा बलजीत सिंह, जय सिंह, दरासी को, जय राम, जय सिंह, के सज्जाद खेलेंगे। ये दोस्तों इस सीरीज से पहले की रिकॉर्ड है, रिव्यू करना है तो करो। दरासी को 13 मैच में 24 विकेट, इनसे बेहतर विकेट टेकर नहीं मिलेगा। खुर्रम शहजाद 11 मैच में 9 विकेट, अदसम जावेद अच्छा हिटर है 17 मैच में 334, बट इसके लिए इनको ओपन आना पड़ेगा, ये बैटिंग मिडल ऑर्डर में करा रहा है। जसप्रीत 27 मैच 200 रन, 48 ओवर में 26 विकेट, एक अच्छा 36 विकेट स्पेशली। बॉलिंग फर्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहेगा इनका, ठीक है। चलते हम लोग सीधा गाइस हमारे ड्रीम इलेवन टीम में। दोस्तों फिलहाल ये रहेगा मेरा ड्रीम इलेवन टीम, जहां पे कैप्टन दारासिको, वाइस कैप्टन ए रजा इस्लाम को बनाया। मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, ये जो मैचेस होते हैं ईसीएस के, इसमें ना आप इन्वेस्ट कर सकते हो कहां पे, कुबेरा की डुओ मोड में। मेरा तो पसंदीदा मोड है, लास्ट डे मैंने कुछ पिक्स शेयर किया था आपके साथ, मैंने विनिंग भी शेयर किया था। मेरा इन्वेस्टमेंट का 99% इन्वेस्टमेंट होता है कुबेरा पे, और दोस्तों डुओ मोड में उसका 90% इन्वेस्ट होता है। सोच रहे हो ना कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, और मैंने सिंपल जाओ देखो, मैं जितना भी इन्वेस्ट करता हूँ शेयर करता हूँ आपके साथ, वो मैंने शेयर भी किया था आपके साथ विनिंग वगैरह। आप भी खेल सकते हो, सिर्फ 5 प्लेयर रहता है दोस्तों कुबेरा के एक सेट में, 5 में से आप किसी एक प्लेयर को लोगे तो आपका ओपोनेंट बाकी 4 में से किसी एक को लेगा। आपका ओपोनेंट 5 में से किसी एक को ले लेगा तो दोस्तों आप बाकी 4 में से किसी एक प्लेयर को लोगे, नो रैंक क्लैशेस। देख सकते हो आपका ओपोनेंट क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप रिएक्ट कर सकते हो। सिंपल सॉर्टेड कुबेरा का लिंक हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, टॉप में पिन क्या हुआ लिंक से आप अगर डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करते 20 एक्स्ट्रा कैश जो 100% यूजेबल है, और अभी जो चल रहा है आईपीएल उसमें दोस्तों 2x कर सकते हो बहुत इजीली। सिंपल दोस्तों को जो है जो वहां पे टारगेटेड टीम होता है उसको जस्ट बीट करना पड़ता है, जो आई थिंक इजीली आप कर पाओगे, तो वहां पे आप इन्वेस्ट करके आपका पैसा डबल कर सकते हो। 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160, 160 का 320, फटाफट कर लेना कुबेरा के डुओ के साथ। रेफर कोड अगर ऑफिशियली डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करके रेफर कोड में मित्रा FDF जरूर लगा लेना, ताकि दोस्तों आप थोड़ा सपोर्ट अगर हमने करोगे तो उससे दोस्तों मैं अपना चैनल भी फ्री रख पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। फिलहाल ये रहेगा दोस्तों मेरा अपडेट इस मैच के रिलेटेड, कुछ भी और अपडेट होगा, डेमो टीमों का शेयर होगा आपके साथ, टेलीग्राम चैनल जुड़ना है टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे।